बिजली के बिल की बकाया राशि को लेकर बिजली कंपनी ने नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली काट दी, जिसके बाद इस कार्यवाही से भड़के निगम कमिश्नर ने बिजली कंपनी के जीएम नितिन मांगली के घर पर बुलडोजर भेज दिया। यही नहीं, बिजली कंपनी के जीएम के निवास को उन्होंने अवैध बताते हुए नोटिस भी चिपका दिया। हालांकि देर रात हुई इस कार्यवाही में बाद में सुलह भी हो गई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बिजली बहाल कर दी गई। दरअसल बिजली कंपनी द्वारा एबी रोड स्थित नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 65 लाख रुपए का बिल होने पर बिजली कर्मियों ने प्लांट की बिजली काट दी, जिससे प्लांट बंद हो गया है। वाटर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के मैकेनिकल इंजीनियर की माने तो दिन में 2 बजे प्लांट की बिजली काटी गई और लगभग 8:30 बजे के बाद बिजली कर्मचारियों द्वारा दोबारा से बिजली कनेक्शन जोड़ दिया गया। लेकिन इन सब के बीच काफी नुकसान यहां पर प्लांट का हुआ। कई कर्मचारी भी खाली बैठे रहे और बिजली ना होने से समुचित मात्रा में वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। हर दिन 80 एमएलडी से ज्यादा वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, जबकि बिजली जाने के कारण ये क्षमता 50 एमएलडी ही रह गई है। इसके बाद गुस्सा आए नगर निगम आयुक्त ने देर रात बिजली कंपनी के जीएम नितिन मांगलिक के निवास पर जेसीबी लेकर नगर निगम का अमला भेज दिया और उनके मकान पर अवैध अतिक्रमण का नोटिस चिपका दिया। नगर निगम और बिजली कंपनी के बीच विवाद की खबर पहले तब जाकर कलेक्टर ने हाथ से करते हुए दोनों अधिकारियों को समझाया और भविष्य में इस तरह की कार्यवाही करने से पहले कलेक्टर के संज्ञान में लाने की बात कही। वहीं दोनों में से किसी भी अधिकारी ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। कल जो है बिजली विभाग ने आपकी लाइट काट दी थी, किस तरह से कितना नुकसान हुआ, कितने देर तक लाइट रही है? लाइट सर हमारी सुबह शाम को दिन में 2:30 या 3 बजे से लाइट हमारी उन्होंने काट दी थी। उसके बाद 8:30 तक लाइट हमारी शाम को आई थी और लगभग हमारा डेली का 80-90 ml पानी ट्रीट होता है पर डे के हिसाब से, तो आप लगा लें 20 या 22 ml पानी अपना जो स्प्रिट में वो ट्रीट नहीं हो पाया है। वही बिना किसी कारण बताए कैसे? हाँ जी, काट देना सडनली वो आए और लाइट काट दी उन्होंने वहाँ से। बात की थी आपने उनसे, किस तरीके से? नहीं, इनकी जानकारी नहीं मिली, बताया नहीं उन्होंने क्या किस कारण काट रहे हैं। और आपने पूछा था उनसे क्या बोले? वो बोल रहे थे कि बिजली का पेमेंट ड्यू बाकी है, बिजली पेमेंट प्लान का, तो उस चक्कर में लाइट काट दी। दोनों को मैंने समझाइश दी है कि ऐसी चीज़ें कभी हो जाए तो मेरे ख्याल से कलेक्टर को पहले बता दें तो बेहतर रहे, कोई ऐसा चीज़ें हैं जिसमें समन्वय का बात है। डिसकनेक्शन कोई नई बात नहीं है, लोग बिल पेमेंट नहीं करते तो डिसकनेक्शन होता है, पर कई बार कोई इम्पोर्टेंट कनेक्शन जब डिसकनेक्ट करने होते हैं तो उसके पर दूरगामी परिणाम रहते हैं। ये ज़रूर है कि बिल अगर बकाया है तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई संस्था हो। इसी प्रकार से पानी के भी बिल हों तो वो देने होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो तो देना होता है। पर कुछ मामलों में जहाँ लगता है कि उसका बहुत ही व्यापक असर होता है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी पूछनी चाहिए। बकाया था तो भी शायद परामर्श करने से ठीक रहता। दोनों को मैंने कहा है और मुझे लगता है कि अब इसकी प्रवृत्ति होगी नहीं, लोग सावधानी बरतेंगे। ये आप लोगों के माध्यम से बाकी लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें सरकार के दो विभागों के बीच में कोई समन्वय का इशू हो तो उनको बता देना चाहिए। और इस प्रकार से कोई चीज़ों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। सरकारी काम में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से विभाग का पक्ष रखें और काम करें वो सही है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि समन्वय और सौहार्द भी बना रहे। सर, इसमें नगर निगम द्वारा जेसीबी वहाँ पर पहुँचा दी गई, मकान को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, नोटिस वहाँ पर चिपका दिया गया, तो उसमें किस तरह देखते हैं, क्या मकान अवैध था? नगर निगम यदि बोल रहा है कि मकान अवैध था तो कार्रवाई जारी रहेगी? ये कार्रवाई करने के भी एक स्टेजेज होते हैं ना, स्टेजेज ये होते हैं कि पहले आपको जानकारी एकत्र करनी होती है, उसके अभिलेख देखने होते हैं, मेजरमेंट वगैरह करने होते हैं, तो डिस्कशन से
सबके लिए लागू होती है, प्रावधान अधिकारी की लागू होती है, परंतु बहुत आवेश में कोई चीज़ होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों अधिकारी काफ़ी मेच्योर ऑफिसर्स हैं और दोनों को मैंने कहा है कि कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे साथ बैठ करके पहले बता दें मुझे क्या इश्यूज़ है। तो इतनी जल्दी में मुझे नहीं लगता है कि कोई निर्णय लेनी चाहिए, और वो दोनों के लिए लागू होती है, दोनों के लिए नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि विभाग के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों को लागू होते हैं।